Today's The World Around Us will be presented in Hindi and English, with subtitles in Arabic, Olexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. नमस्कार और स्वागत हमारे आसपास के जगत में। आज हम उत्तर भारत के सारनाथ और हरिद्वार की यात्रा करेंगे, भारत के दो पवित्रतम स्थान। हमारा पहला पड़ाव आज सारनाथ है, जो उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम शहर वाराणसी के 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सारनाथ मृगों का एक वन है, जहां धर्म का उपदेश देने के चक्र को भगवान गौतम बुद्ध ने गतिमान किया तम चक पौथना सूत्र नामक प्रथम सूत्र का उपदेश देकर उनके पहले 5 भिक्षुओं को। सारनाथ वह भी है जहां भगवान बुद्ध ने बहुत से दूसरे सूत्रों को कहा, जैसे कि अनंत लखन सूत्र और सच विभंग सूत्र। सारनाथ शब्द की उत्पत्ति सारंगनाथ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हिरण के भगवान। यह शाक्यमुनि बुद्ध के पूर्व जीवन के बारे में एक कहानी से संदर्भित है, जिसमें उन्होंने अपना जीवन एक राजा को भेंट कर दिया। वह था जिससे कि हिरण का जीवन, जिसे राजा मारने को प्रवृत्त था, बच सके। कहानी के अनुसार बुद्धिसत्व की करुणा से राजा इतने विचलित हो गए कि उन्होंने हिरणों के लिए एक वन बनवा दिया। यह वन आज भी विद्यमान है। सारनाथ मृगदव भी कहलाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां हिरण बिना बाधा के घूमते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान वह इसी पतन कहलाता था, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पवित्र लोग धरती पर अवतरित हुए थे हवा में विचरण करने के बाद। धरती पर अपने जीवन के अंत के निकट शाक्यमुनि बुद्ध ने सारनाथ का उल्लेख 4 पवित्र स्थानों में से एक के रूप में किया, जिसे उनके अनुयायियों को घूमना चाहिए। लुम्बिनी सहित उनका जन्मस्थल, बोधगया उनके आत्मज्ञान का स्थान, और कुशीनगर जहां उन्होंने निर्वाण या एक सुखमय स्थिति में प्रवेश किया। धमक स्तूप कहा जाता है कि उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ बुद्ध की आवाज पहली बार सुनी गई, जब उन्होंने धर्म का उपदेश देना शुरू किया। वर्तमान स्तूप 500 ईस्वी में बना था, एक प्राचीन संरचना के विस्थापन के रूप में, जो राजा अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाया गया था। राजा अशोक ने बुद्ध की अस्थियों के अवशेष और अन्य स्मृति चिन्हों को स्थापित करके स्तूप बनाया। बौद्ध अनुयायी दुनिया भर से सारनाथ आते हैं और स्तूप की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं और बाग में ध्यान करते हैं। वहाँ एक बोधि वृक्ष भी है, जो 1931 में लगाया गया था। वह 2260 वर्ष पुराने जयश्री महाबोधि वृक्ष, जो श्रीलंका के अनुराधापुर में है, का किशोर है। यह मूल बोधि वृक्ष के बदले किशोर है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। पवित्र पेड़ राजा अशोक की बेटी द्वारा 249 ईसा पूर्व श्रीलंका में लाया गया। बोधि वृक्ष के निकट भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन विभिन्न भाषाओं में बहुत सी पट्टियों पर लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त हम प्राचीन मूलगंध कुटी विहार मंदिर का अवशेष पाते हैं, वह जहां भगवान बुद्ध ने पहला वर्षा ऋतु बिताया। यहां से भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश देने के लिए बाहर भेजा, जब उनकी संख्या 60 तक पहुँच गई थी। उन्होंने उनसे कहा, आप में से दो एक ही पथ नहीं अपनाए भिक्षुओं, आध्यात्मिक अभ्यासकर्ताओं, धर्म का उपदेश दें, यानी सच्ची दीक्षा। एक स्तंभ का आधार, जो राजा अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व खड़ा किया गया, अभी भी अपने मूल स्थान में खड़ा है, जबकि इसका ऊपरी भाग अब सारनाथ संग्रहालय में प्रदर्शित होता है। स्तंभ के शीर्ष से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। सारनाथ जैन मत का भी एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है।
श्री दिगंबर जैन मंदिर श्रेष्ठनाथ को समर्पित है, जो जैनों के 11वें तीर्थंकर यानी आत्मज्ञानी और मुक्त आध्यात्मिक गुरु हैं, जो श्रीपुर गांव में 1 किलोमीटर दूर में पैदा हुए थे। जैन मत के अनुसार वे 8 करोड़ 4 लाख वर्ष के प्राचीन अद्भुत आयु तक जीवित रहे। अब हम हरिद्वार के पवित्र स्थल में घूमने रेल से जा रहे हैं, जो कुंभ मेला 2010 के रूप में भारी भीड़ का स्थल है। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर बने रहें। हमारे आसपास का जगत में स्वागत है। अब हम हरिद्वार में हैं, जो हिमालय की तराई में और गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार 2,95,000 लोगों का शहर है। यहाँ पूर्णतः मांस, अल्कोहल और अंडे निषेध है। यह अनगिनत मंदिरों का घर है, जो शहर के सभी कोनों पर है। हरिद्वार भगवान शिव की दुनिया के विशालतम प्रतिमाओं में से एक वाला शहर है। हरिद्वार के प्रख्यात मंदिरों में मनसा देवी मंदिर है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर कंखाल जिले में है और माया देवी मंदिर है। प्राचीन काल में 7 महान ऋषियों यानी आत्मज्ञानी संतों ने हरिद्वार के निकट ध्यान किया। उनमें से वशिष्ठ भगवान राम के गुरुओं में से एक थे। ये सप्तर्षि सृष्टि में सबसे विकसित प्रकाश जीवों और स्वर्गीय कानूनों के अभिभावक के रूप में सम्मानित होते हैं। गंगा नदी कथित रूप से उस क्षेत्र में 7 बाहुओं में विखंडित हो गई है, जहाँ वे रहते थे, उनके ध्यान को भंग नहीं होने देने के लिए। प्राचीन काल से हरिद्वार बहुत से पवित्र लोगों की उपस्थिति द्वारा दयामय रहा है। उनमें से एक थे गुरु नानक देव, जिन्होंने 1504 में हरिद्वार का दौरा किया और कुशवंत घाट पर स्नान किया। और हाल के समय में दूसरे संत श्री आनंदमयी माँ का कंखल में एक आश्रम था, जो हरिद्वार के 3 किलोमीटर दक्षिण में एक शहर है। इस आश्रम में इस सुखमयी माता का समाधि स्थल भी है, जो भारत के प्रिय महिला संतों में से एक हैं। अब हम हरिद्वार के प्रसिद्ध स्थल हर की पौड़ी जाने वाले हैं। वह कुंभ मेले का स्थान है, दुनिया के विशाल मानव संग्रहों में से एक, जहां लाखों लोग एक साथ जमा होते हैं। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में होने वाला देखने के लिए वास्तव में एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक घटना है। श्रीमान अविनेश वशेष एक स्थानीय निवासी हैं, जो कृपापूर्वक कुंभ मेले के महत्व के बारे में हमसे परिचित कराया, जब वह इस वर्ष 2010 के शुरुआत में हुआ। With all due prostrations to the Supreme Master Qinghai, I am Avinash Vashesh from Haridwar. Here you are standing right at the top of the Har Ki Pauri, the main venue of the Kumbh Mela Bath. The Kumbh Mela is held every 12 years because long time ago, when the demons and the devatas, they churned the sea, the urn of nectar of immortality emerged from the sea. And that urn of nectar of immortality was grabbed by the demons and they ran all over the earth with the urns. So one of the drops of that nectar of immortality fell here in the Brahmakunda. Now it is very auspicious for the people to come and bathe in the Brahmakunda on that particular time, which comes after every 12 years. If anybody takes a dip at that time, he is freed from the cycle of reincarnation, of rebirth. This is the Ganga River, which is flowing in front of you. And this is the only goddess which we worship in India, which is visible through the mortal eyes of a human being. Another thing which I want to explain to you is that the name of this particular city is called Haridwar. Dwar means door. Now, if you look at it geographically, this is a virtual valley through which the river Ganga emerges out from the hills and flows into the plains. So the mountains, they form a sort of a door. Another name for Shiva is Har. And the followers of Shiva, they call it Haridwar.
where is the followers of Vishnu, his other name is Hari. The followers of Vishnu, they call it Haridwar. Now another thing which I want to tell you is that the Brahmakund, where the bathing takes place, that particular place is called the Brahmakund, and the entire other place is called Har Ki Paudi. So Har Ki Paudi or Hari Ki Paudi, it's one and the same thing. Paudi means steps. Now, so there are lots of steps going down to the river where people just converge over here, take off their clothes and take a dip in the holy waters of the Ganga. भारत में अपने निवास के दौरान 1980 के प्रारंभ में परम गुरु चिंघाई कुंभ मेले के समय हरिद्वार में उपस्थित थी। उन्होंने खुद को गंगा नदी में डुबोकर शुद्ध कृपा प्राप्त की थी। यद्यपि उन्होंने कोई ध्यान आकर्षित करने की कामना नहीं की थी, उच्च स्तरीय आध्यात्मिक अभ्यासकर्ता जानते थे कि वे एक गुरु थी। उनके अनुसार सर्वोच्च सम्मान के साथ उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनको सर्वोत्तम प्रकार का तंबू प्रदान किया, सामान्यतः महान गुरुओं के लिए जो आरक्षित रहता है। उनके शिष्यों के आग्रह पर हिमालय पर उनके अनुभवों को और अधिक जानने के लिए परम गुरु चिंघाई ने अपनी कुछ स्मृतियों को हमारे साथ बांटा, जो निम्न है। One time I went into a very big camping place. That was in Haridwar. Haridwar means the gate of heaven. It's one of the very big, famous, important, holy pilgrim place in India. And every 12 years, you know, they have a Kumbh Mela. Kumbh Mela means a gathering of all the saints and seers and sages in India. It doesn't matter where the person stay, where the monks or the seer, the yogis, you know, the saint and the sage is the one who can see things and future and all that, one who can see psychically all that, or the one who already attained enlightenment and all that, or one who had not attained enlightenment and all that. Sometimes they hide themselves in caves in mountain remote. But at that time of Kumbh Mela, every 12 years they would gather in that place together. And people would come in millions to prepare thousands, hundreds of thousands of tens, you know, free of charge for these monks and also for the pilgrims, whoever like to overnight there. Of course, never enough. But still, they reserve one tent for me. ऐसा पवित्र स्थल का आध्यात्मिक वातावरण और पवित्र लोग भारत और हमारे जगत को कृपामय करना जारी रखें। निष्ठावान दर्शकों, आज के हमारे आसपास के जगत में हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। अगला कार्यक्रम है ज्ञान के शब्द। प्रमुख समाचारों के बाद स्वर्ग आपके प्रत्येक कदम पर जीवन की यात्रा को कृपामय करे। थैंक यू सिंसियर व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टुडेज द वर्ल्ड अराउंड अस। अप नेक्स्ट इज वर्ड्स ऑफ विजडम आफ्टर नोटवर्दी न्यूज। मे हेवन ब्लेस योर एवरी स्टेप ऑन लाइफ जर्नी। For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAU.